ओके हेलो सत श्री अकाल नमस्ते जय जिनेंद्र आदाब अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस वेलकम टू अभी जैन डांस वर्ल्ड। तो आज हम सीखेंगे हमारा नया सॉन्ग का डांस ट्यूटोरियल जिसका नाम है बंगस, जो अभी न्यू लेटेस्ट बागी 3 मूवी का सॉन्ग आया है एक आंख मारू तो, बंगस नाम है उसका। बट जो मेन मेरे हिसाब से सॉन्ग है वो यही है एक आंख मारू तो लड़की बट जाए का न्यू वर्जन। सो हम सीखेंगे आज इसका स्टेप बाय स्टेप डांस ट्यूटोरियल, आप वहाँ से सीखिए, मैं यहाँ सिखाऊंगा। जस्ट 8 या 9 मिनट आपको देने और एक आप अच्छा परफॉर्मेंस अपना रेडी कर सकते हो संगीत के लिए, इवेंट्स के लिए, परफॉर्म करने के लिए कहीं भी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाके प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। इस पर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से सॉन्ग पे डांस सीखना है, आप मुझे और भी बहुत सारे चीज़ें बता भी सकते हो और पूछ भी सकते हो, ठीक है गाइज। इसके अलावा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे डांस ट्यूटोरियल और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी ओनली ऑन अभी जैन डांस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारा डांस ट्यूटोरियल। So, गाने का नाम है बंगस, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज ये मेरी राइट हैंड साइड है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो हम स्टार्ट करेंगे वहां से जब से पहली वर्डिंग आती है एक आंख मारू तो। इसमें गाइज हमारी पोजीशन क्या होगी, हम इस तरीके से खड़े हैं, यहां से हमें दोनों पैरों को ओपन करना है 1, और जो हमारा राइट हैंड होगा इसको 1, 2, 3 एंड 4 मतलब धीरे धीरे इसको ले जाना है और पैर को ओपन करना है। तो करते हैं 5, 6, 7 गो। एक आंख मारू तो इस पर एकदम स्लो है, देन 2 बीट आती है ठाक ठाक। इसमें हम करेंगे हाथ हमारे दोनों आगे, अब जो हमारी बॉडी है इसको आगे ले जाना और हाथ को पीछे, तो ये हो जाएगा 1। अब हाथ को ले जाना है आगे और बॉडी को लाना है पीछे 2, और ये फास्ट है 1, 2। तो वापस करते हैं एक बार 5, 6, 7 गो। एक आंख मारू तो ठाक ठाक। ओके गाइस देन वर्ड आता है, उसके बाद सीटी आती है मतलब विसल आती है, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 बार विसल आती है। तो उसमें हम स्टेप देखते हैं सबसे पहले कैसे है। तो जैसे ही हमारा हो गया था 1, 2, इसके बाद एक हमें विसल यहाँ बजानी है 1। इसमें पैर कैसे होगा, जो हमारी लास्ट पोजिशन थी इसमें लेफ्ट आगे था, तो अब हम लेफ्ट को पीछे रख के राइट को इधर कर देंगे 1, देन एक सीटी यहाँ पे 2, देन हमें एक यहाँ से जंप लेनी आगे की तरफ दोनों हील्स पे, देन इसको टो को नीचे रखना है, देन वापस पीछे आना है 2, और इसमें दोनों हाथ इस तरीके से जो हम सिटी बजाते हैं इस तरीके से, तो हाथ हमें इधर और जंप लेके वापस पीछे आना है हाथों हाथ बैक। तो 2 विशल पे ये स्टेप आएंगे, तो 1, 2। तो वापस एक बार करते हैं 5, 6, 7 गो। एक आंख मारू तो टक टक, देन सिटी 1, 2, 3, 4, देन लास्ट एक विशल और आती है, उसमें हम स्टेप करेंगे हमारा हाथ, अब हमें इस तरीके से लेना है वापस रखना तो इधर ही हाथ, अब जो लेफ्ट लेग है तो हील है, हील को हमें ले जाना है बाहर की तरफ, मतलब ट्विस्ट करना है इस तरीके से घुमाना है और सीटी को ऐसे करना है तो हाथ करना है 1, तो ये हो जाएगा 1, ये बाहर गई तो ये नीचे आया, अब जैसे ही वापस ये ऊपर होगा तो पैर जगह पर आ जाएगा 2। तो एक बार हम पूरा सेशन कर लेते हैं विदाउट म्यूजिक, देन हम इसको म्यूजिक पे करके देखेंगे, क्योंकि इस ट्यूटोरियल की मेन बात थी गाइज ये है, पहले मैं स्टेप सिखाता हूँ उसके बाद हम इसको म्यूजिक पे करके देखते हैं ताकि इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो पहले एक बार विदाउट म्यूजिक करते हैं जिसमें मैं अपनी सुरीली आवाज में गाना गाऊंगा, उसके बाद हम म्यूजिक पे कर देंगे 5, 6, 7 गो। एक आंख मारू तो टक टक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके गाइस। तो इस पूरे सेशन को अब हम एक बार म्यूजिक पे करके देखते हैं, आप भी साथ में वहां से रियस कीजिएगा, चलिए देख। ओके गाइस तो लास्ट स्टेप हमारा आ गया था 1 और 2, देन हमारी जो सॉन्ग की रियल वर्डिंग है वो स्टार्ट होती है, मींस जो रियल मींस जो प्रॉपरली वर्डिंग है तो स्टार्ट होती है एक आंख मारू तो पर्दा उठ जाए। तो इसमें हमारा स्टेप देखते हैं, इसमें हमें जो राइट हैंड है वो रखना हाथ की तरफ, जो हमारी राइट साइड की आई है और राइट हैंड को रखना है यहाँ पे। अब यहाँ से राइट लेग को हमें करना है टैप, पहले फुटवर्क देखते गाइस, क्योंकि इस स्टेप के फुटवर्क थोड़े हार्ड है, तो मैं फुटवर्क दिखाता हूँ। जो राइट लेग है इसको हमें यहाँ पे ले जाना और लेफ्ट को करना है अप, तो राइट में यहाँ ले आओ 1, ठीक है गाइस, देन वापस यहीं पे, अब इसको 2 बार करेंगे तो कैसे होगा 1, 2 मींस वापस आपको इधर ही लाने हैं लेग्स को, पहले ये 1 गया देन वापस इधर आके देन वापस आगे जाएगा 2, और हाथ रखना है राइट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1, 2 मतलब ये जैसे इधर जाके इधर आया तो ये वापस इधर चला गया राइट, तो वापस ले आया मैं इसको 2, फिर वापस 3, और हाथ ऐसे है, तो ये वर्ड पूरा बनेगा 5, 6, 7 गो। एक आंख मारू तो, और इसमें एक चीज और है गाइस, जो हमारे शोल्डर है, शोल्डर का भी हमें अच्छे से यूज में लेना है, शोल्डर को हम इस तरीके से इधर की तरफ पंच करेंगे तो स्टेप और भी मतलब रिदमिक और क्लासिक लगेगा। तो करते हैं 5, 6, 7 गो। एक आंख मारू तो, ओके गाइस, देन वर्ड आता है पर्दा उठ जाए। तो लास्ट जब हमारा लेग गया था ये नीचे आ गया, अब पर्दा उठ जाए में हमें लेफ्ट लेग है जो इसको लाना है यहाँ पे और राइट को करना है यहाँ पे 1, देन वापस राइट को लाएंगे और लेफ्ट को जाएंगे 2,
और जो हमारा राइट हैंड है पहले जब वो लेफ्ट लेग आ रहा है तो वो जाएगा इस तरीके से वन, देन वापस ये लेग इधर आएगा तो वो जाएगा टू। तो अगेन करते हैं 5 6 7 गो, 1 2। तो इस पे ये पूरा बनेगा एक आंख मारूं तो पर्दा। अब यहां से हमें करना है दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर करना है और लेफ्ट लेग को अप करना है हील के साथ, तो ये हो जाएगा 1 2। और हाथ को करना है इस तरीके से 1 2। तो ये पूरा वर्ड बनेगा पर्दा उठ जा हे। ओके गाइस, तो इस पूरे सेशन को हम एक बार विदाउट म्यूजिक करते हैं, देन वापस सेम एज ऑलवेज हम इसको म्यूजिक के साथ करके देंगे। तो 5 6 7 गो, एक आंख मारूं तो पर्दा हट जाए। ओके गाइस, तो इस स्टेप को हम म्यूजिक में करके देखते हैं, आप भी साथ में कीजिए। ओके, तो लास्ट हमारा स्टेप आ गया था पर्दा हट जाए, देन वर्ड आता है दूजी आंख मारूं कलेजा कट जाए। तो इसमें हम हमारा स्टेप देखते हैं जो लास्ट हम आ गए थे 1 और 2। अब हमें दोनों हाथों को इस तरीके से रख के इधर की तरफ घुमाना है 1 2 दो बार, और जो राइट लेग से जाना है हमें उधर की तरफ। ओके, तो हम उधर की तरफ जाएंगे अब हाथ का यूज करके, और इसमें राइट लेग को पहले फुटवर्क देखते हैं, ये होगा 1, लेफ्ट अप हुआ, देन वापस लेफ्ट रखा, देन एक स्टेप और आगे 2, और हाथ जो हमारे राइट 1 2। गाइस फुटवर्क आप इसमें अगर आप चाहो तो पॉज करके अच्छे से मैचअप कर सकते हो, इसमें ये होगा 1 2 3 4, और हाथ है हमारे तो 5 6 7 गो, दूजी आंख मारू। गाइस ये पूरा रोल अप करना है आपको, तो ये इधर से घूम के वापस इधर आएगा, देन वापस इधर से घूम के इधर आएगा, तो ये बनेगा 5 6 7 गो, दूजी आंख मारू, देन वर्ड आता है कलेजा कट जाएगी। गाइस एक और वापस एक चीज और बताना चाहूंगा, ये थोड़ा भी आप ले सकते हो अगर चाहो तो, यहाँ से ये बस 1 2, अगर ज्यादा ऊपर अप नहीं करते हो तो इतना भी इनफ है। ओके, इसके बाद स्टेप आएगा दूजी आंख मारू कलेजा कट जाए। तो हम हमारा स्टेप देखेंगे, इसमें पहले हमें राइट लेग को पीछे करना है 1, और जो हमारे दोनों हाथ होंगे वो इस तरीके से जाएंगे नीचे 1, देन वापस, मतलब ये राइट लेग को मैंने इधर की तरफ से इधर लिया 1, ये जैसे ही यहां से अब हमारा लेफ्ट नी बेंड हुआ वापस आगे आएंगे 2, अब राइट लेग लेफ्ट लेग को करना है अप और राइट हैंड को मारना है इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा 1 2, वर्डिंग इसकी। तो ये लास्ट हमारा स्टेप हो गया दूजी आंख मारू कलेजा कट जाए। ओके गाइस, तो इस स्टेप को भी हम म्यूजिक के साथ करके देखते हैं, एक आंख मारू तो पर्दा हट जाए, दूजी आंख मारूं कलेजा कट जाए। ओके गाइस, तो जो लास्ट मैंने दो स्टेप बताया है उसको हम म्यूजिक करके देखते हैं। ओके गाइस, तो लास्ट हमारा स्टेप आ गया था कलेजा कट जाए, देन वर्ड आता है दोनों आंखें मारूं तो छोरी पट जाए, छोरी पट जाए। गाइस इसमें बहुत अच्छा फुट स्टेप है, तो आप वो अच्छे से देखिए, मैं कहना चाहूंगा कैमरामैन को आप मेरे फुट्स पे ओनली पहले लीजिए। तो मैं गाइस पहले फुटवर्क्स बता रहा हूं, तो हम फुटवर्क्स लेंगे, पहले जो हमारा राइट लेग है और लेफ्ट लेग है इसको हमें क्रॉस करना है जंप के साथ 1, तो ये हमारे इस तरीके से होंगे क्रॉस, देन इसको वापस हमें खोलना है 2, देन हमें जो राइट लेग है इसको ले जाना है पीछे और लेफ्ट को लाना आगे, तो ये होगा 3, देन वापस स्ट्रेट करना है 4। ओके गाइस, तो अब इसके हम हैंड मूवमेंट देखते हैं कि इसमें हमें हैंड को किस तरह से यूज करना है। तो जब हमारा पहले दोनों फर्स्ट लेग क्रॉस हो रहे हैं इसमें हाथ रखेंगे हम 1 2, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा 1, देन वापस जब हम लेग्स को खोल रहे हैं तो हाथ हमारे उल्टे की तरफ नीचे हमें एक मुक्का टाइप भी मारना है 2, तो ये 1 हुआ, देन होगा 2, देन वापस जब हम लेग को पीछे ले जा रहे हैं तो दोनों हाथ हमारे जाएंगे कमर पे 3, देन हम जब वापस पैरों को खोल रहे हैं तो वापस हमारे हैंड हो जाएंगे स्ट्रेट 4, तो ये पूरा स्टेप बनेगा 5 6 5 6 7 गो, 1 and 2 3 and 4। ओके गाइस, तो इस स्टेप को अच्छे से केयरफुली सीखिएगा, और ये स्टेप आपको 101% करना, कि बहुत फेवरेट स्टेप है मेरा। ओके गाइस, तो ये स्टेप हो गया, वर्डिंग है दोनों आंखें मारूं तो, देन वर्ड आता है छोरी पट जाए, छोरी पट जाए। इसमें हम करेंगे जो हमारा राइट हैंड है वो हमें इस तरीके से यहाँ पे रखना है, और एक स्टेप जो हमने इधर की तरफ किया था फर्स्ट वाला 1 2, इसकी लेग मूवमेंट सेम है, बस हाथ हमें इधर रखना है और दोनों फेस को इधर करना है 1 2, तो लेग मूवमेंट सेम थी हमारी 1 और 2, तो हाथ रखा मैंने और किया छोरी पट जाए, लेफ्ट हैंड हमें रखना है कमर पे, तो ये होगा छोरी पट जाए। अब एक स्टेप एकदम एक्चुअल में लड़कियों का ही है, ऐसे लड़का लड़की में कोई फर्क होता नहीं है, सारे स्टेप सबके होते हैं। तो राइट लेग पहले इसमें हम आगे करेंगे 1 then 2 then 3, और हाथ में हमें स्टेप लेना आगे, वर्डिंग थी छोरी पट जाए, छोरी पट जाए, 3 स्टेप में हमें आगे आना है। स्टेप में बता दें कैसे होगा, राइट लेफ्ट और राइट, देन एक
बहुत लाइट सी बीट आती है, टडन, आप गाने को अच्छे सुनोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये हो गया था हमारा छोरी पट जाए। तो इसमें हमें हाथ रखना इस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड में आपको हाथ रखने दोनों। अब यहाँ से हमारी बॉडी को आगे ले जाना है, 1 2 3 4। ओके गाइस, तो ये होगा 1 2 3 4। जब हाथ जा रहे हैं पीछे तो बॉडी आ रही है आगे की तरफ, और जब हाथ जा रहे हैं आगे तो बॉडी आ रही है पीछे की तरफ। ओके गाइस, तो ये पूरा बनेगा 5 6 5 6 7 गो। कहाँ से बताना था? हाँ, यहाँ से 5 6 7 गो। दोनों आंखें मारूं तो, देन आएगा वो वाला वर्ड स्टेप हमारा छोरी पट जाए। इसमें हम करेंगे क्या, ये था ना वापस। ओके 5 6 7 गो। तो स्टेप होगा हमारा, दोनों आंखें मारूं तो छोरी पट जाए। ओके गाइस, तो इस सेशन को भी हम एक बार म्यूजिक में करके देखते हैं। और ये सेशन आपको वापस करना है, वापस चेंज क्या होगा इसमें, ये स्टेप हमारा वापस आएगा दोनों आंखें मारूं तो। अब जो हम ये कर रहे थे इसमें हमें पीछे जाना है, पीछे जाने के लिए पहले राइट देन लेफ्ट देन राइट देन वापस सेम वही है, छोरी पट जाए। ओके गाइस, तो इस सेशन को भी हम एक बार म्यूजिक के साथ करके देखते हैं कि ये किस तरीके से सेट होता है। ओके गाइस, तो हमारा ये स्टेप बाय स्टेप डांस ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो रियल में अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए। अगर आप कमेंट करते हो तो इससे मुझे मीन्स फ़ायदा कुछ भी नहीं है, बस ये है मुझे थोड़ा मिल जाती है हिम्मत कि नेक्स्ट टाइम और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभिजैन डांस वर्ल्ड। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट सब्सक्राइब अभिजैन। और गाइस, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा, है ना। आप मुझे बता सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जाओगे वहाँ भी आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में एनीवेयर सब जगह आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी अभिजैन वर्ल्ड। सो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, हैप्पी महाशिवरात्रि।